नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी मजे में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल मिठाई, वो भी बिना गैस जलाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अब इसे हम फाइन पीस लेंगे। इसे हमने पीस लिया है। अब इसे हम किसी बर्तन में पलट लेंगे। अब हम स्वाद के अनुसार पीसी चीनी डालेंगे। हमारे पास पीसी चीनी रखी हुई थी। यदि आपके पास पीसी चीनी ना हो तो आप पीस सकते हैं अलग से, और कोकोनट पाउडर में मिक्स करके भी पीस सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा कप मिल्क पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर गूथेंगे, जिससे कि लड्डू जैसा बनने लायक हो जाए। देखिए, ये लड्डू बांधने पर बन जा रहा है। अब ये तैयार है स्टार्ट। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। बचे हुए मिश्रण में अब हम थोड़ा सा खोया मिलाएंगे। खोया आप थोड़ा या कम अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के फिर से गूथेंगे। दूध की मात्रा अधिक नहीं करनी है, बस इतना ही करना है कि इस वाले डो से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें से हम छोटा छोटा 3 लोई बनाकर रख लेंगे। अब इस डो में हम थोड़ा फूड कलर डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये डो हमने रेडी कर लिया है। अब हाथ में थोड़ा देसी घी लगाएंगे या रिफाइंड आप लगा सकते हैं। अब इसमें से हम 4 बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे। अब हम इसमें से 1 लोई उठाएंगे और इसको पतला और चपटा बनाएंगे। अब एक मीडियम वाला लोई लेकर इसके बीचों बीच रखेंगे और इसको अच्छी तरह से ढकेंगे, इसको पैक करेंगे और बॉल शेप दे देंगे। ऐसे चारों हम बॉल शेप दे करके रेडी करेंगे। अब हम हाथ में देसी घी लगाएंगे एक बॉल उठा करके। अब इसको बीच में थोड़ा सा अंगूठी की सहायता से दबा देंगे। अब इसे धीरे धीरे ऐसे करके उठाते जाएंगे, या आप किसी चम्मच की सहायता से इसको गोल आकार दे सकते हैं। इसको मटके का शेप देने की कोशिश करेंगे। ये हम ऐसा शेप बना लेंगे। अब इसके बाद अब थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे हम बाहर की तरफ दबाएंगे, से एकदम ये मटके जैसा लगे। मटके का शेप हमने तैयार कर लिया है। ये तीनों जो बॉल बचे हुए हैं, अब इसमें हम 2 बॉल में अलग अलग कलर डालेंगे। ये वाली बॉल हमने येलो कलर से तैयार कर ली है। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। अब हम दूसरे बॉल को दूसरे कलर से करेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं ग्रीन कलर। एक ग्रीन बॉल भी रेडी हो गई। अब इसकी हम पतली सी डोरी जैसी तैयार करेंगे। हमने 4 डोरी ग्रीन कलर की तैयार कर ली है। अब येलो कलर वाला बनाएंगे। सेम हम येलो कलर वाली भी डोरी 4 जगह तैयार करेंगे। हाथ में घी बराबर लगाते रहेंगे, नहीं तो ये चिपकने लगता है। ये हमने 2 कलर की 4 डोरियां तैयार कर ली हैं। अब ग्रीन और येलो कलर की डोरी को आपस में लपेट देंगे। अब इसे हम पतला सा रोल कर लेंगे। इसे हाथ से थोड़ा दबा देंगे, जिससे ये चिपक जाए। ऐसे हम चारों मटकों के साथ कर लेंगे। चारों मटकों में जो कटोरी जैसी बनी हुई है, उसमें हम कोकोनट पाउडर डालें थोड़ा थोड़ा सा।
जो बचा हुआ बॉल है इसके हम चार छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। चारों में हम कोकोनट पाउडर लपेट देंगे और चारों को बारी बारी से मटके के ऊपर रख देंगे। ये हमारी मटके वाली जन्माष्टमी स्पेशल मिठाई तैयार है। अब इसको हम किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। जो बचे हुए आपके बॉल्स हैं उससे डेकोरेट कीजिए, चांदी का वर्क लगा के डेकोरेट कीजिए, चेरी लगा के डेकोरेट कीजिए, किसी भी तरह से डेकोरेट कीजिए।